एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मौज में और फिट होंगे। तो वेलकम है आज आप सबका अपने इस नए व्लॉग में, जो कि एक काफ़ी अच्छा और इंस्पिरेशनल व्लॉग है सबके लिए भी, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, और जिन प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है उनके लिए तो स्पेशली। तो आज आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोलती हूँ कि हर एक प्लेयर ही हमारे लिए एक स्टार प्लेयर है, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्लेयर्स को चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, तो वो गेम से बैक हो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए रेस्ट होता है, फिर रिहैब, या फिर वो अपने आप रेस्ट करके, जैसे भी, मतलब ये उनका फेज़ होता है थोड़ा सा मुरझाने का, टिमटिमाने का। बट अगर फिर से वो एफर्ट करें, पूरा अपने विल पावर के साथ फिर से खड़े हों, फिर से प्रॉपर अगर गाइडेंस में अच्छे से वो फिट हो सकते हैं, और उसके बाद वो अच्छे से खेल सकते हैं, चाहे कोई भी गेम का लेवल हो उनका, तो वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर से वो एक फुल स्टार की तरह चमक सकते हैं। तो ऐसे ही आज का ये व्लॉग है एक फीमेल प्लेयर के बारे में। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही वो आए, और बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं वो, और उनको लिगामेंट टियर था, लिगामेंट नी का। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई फलाने का नी का लिगामेंट टूट गया, और उस प्लेयर का ये हो गया, वो हो गया। इवन बहुत सारे कोचेस भी ऐसे मैंने देखे हैं जो आते हैं, और ये उन्होंने अपनी अकेडमीज खोल रखी हैं, जो कि बहुत इंटरनेशनल लेवल के अच्छे कोच होते हैं, बट वो कहते हैं कि मैम हमारे भी ऐसे हो गया था कि कभी ये इंजरी लग गई थी, फिर उसके बाद नहीं रिकवर कर पाए, धीरे धीरे गेम छोड़ना ही पड़ा, नहीं तो हमने पूरी मेहनत लगा रखी थी इतने इंटरनेशनल मेडल्स लाने के बाद, फिर क्या करते। बट ठीक है, अब इन बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, अकेडमी खोली हुई है, ताकि ये बच्चे भी कल को ओलंपिक जीते। तो ये सब कोचेस को भी ये वीडियो डेडिकेटेड है, जिन्होंने किसी मजबूरी के कारण अपने गेम छोड़ने पड़ गए थे। क्योंकि देखो, चोट है, चोट एक गिफ्ट है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि वो लगेगी, आज लगेगी, फिर से रिकवर हो जाओ, फिर लगेगी, फिर आगे बढ़ोगे, फिर से रिकवर होके आप उठ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो जो है, ये है एक गर्ल प्लेयर के बारे में। आपको लगता होगा मोस्टली मैं मेल प्लेयर्स की डालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें फीमेल प्लेयर भी होती हैं। मेरे लिए मेल फीमेल प्लेयर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेयर इज़ ए प्लेयर, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, लेकिन क्योंकि सब अपना 100% देते हैं। तो आपको लगता होगा एक कि डॉक्टर का जो मेंटली सेटअप है वो ऐसे ही रहता होगा फिट, कि हाँ आया और प्लेयर पे पूरा फोर्स लगाया, पूरा अलाइनमेंट सेट किया फिजियो ने, और भाई हाँ प्लेयर ठीक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जैसे जिस दिन यह प्लेयर आई थी एमआरआई के साथ में, तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन मैं जब ड्राइव कर रही थी, हमसे थोड़ा सा पहले ही एक थोड़ी देर पहले ही एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था किसी का। तो मैंने भी उतर के देखा, पूरा खून में लथपथ, पूरी पब्लिक उसको ट्राई कर रही है गाड़ी में से निकालने की, और निकाल भी नहीं पा रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि बल्कि उनकी गाड़ी को ट्रैक्टर से फाड़ा गया, और फिर जो उनकी लेग्स फंसी हुई थी ना बोनेट के पास, वहाँ से मतलब उनकी लेग्स को निकाल के फिर उनको निकाला गया। और जो जानते भी होंगे, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था ये एक, और बाई चांस मैं उनको जानती भी थी, वो मोहन भैया हैं। अब तो होप्स वो मतलब बिल्कुल फिट हैं, मतलब ठीक हैं, लाइफ बच गई तो सब कुछ बच जाता है, फिर से ठीक हो जाते हैं। तो ये आपका मतलब आपने एक करंट मेंटल स्टेटस की बात है, कि जैसे आपने उसी दिन वो एक्सीडेंट देखा हो और कुछ ही देर पहले, फिर उसके बाद फिर से आप अपने डेली रूटीन में सब अपने अपने चले जाते हैं, तो डेली रूटीन में आप फिट हो जाते हो। तो उसके बाद एक्सीडेंट को देखने के बाद तो सबको थोड़ा सा देखो होता है कि अपसेट होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, बेशक मैं मेडिटेशन करती हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब ह्यूमन बींग हैं, तो फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद उसी थोड़ी देर बाद वो प्लेयर आई एमआरआई के साथ में, तो वो कहती है जी मेरे को ठीक कर दो मैम, नहीं तो ना मेरा गेम छूट जाएगा, और मेरा लिगामेंट टियर आया है घुटने का, और मेरा तो गेम छूटने पे बात आ रखी है, और ऑपरेशन बोला गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्टली लिगामेंट के ऑपरेशन ही कराए जाते हैं, एसीएल अगर फुल टियर आता है तो लोग कराते हैं। तो कहते हैं अगर ये गेम
मेरा छूट गया तो फिर मेरी तो लाइफ ही ख़त्म है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता। कहते जी नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी है मैम, और ऐसे है कि और अभी 2-3 महीने पहले ही, मतलब बोले शायद 2 मंथ्स बोला था उन्होंने, कि 2 मंथ्स पहले ही मेरे फादर, मतलब प्लेयर बोली कि मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं मैम, और पहले ही मुझे चोट लग रखी है, इतने महीने से खेल नहीं पाई हूँ, और अब फिर से अगर मान लो सर्जरी भी हो गई तो 6 महीने के बाद तो मेरा गेम बिल्कुल ही, मान लो उसके बाद मैं खेलने भी लगूंगी, 6 महीने साल भर लग जाएंगे तो मेरा गेम तो बिल्कुल ही चला जाएगा। फिर से मुझे डिस्ट्रिक्ट और उसमें लगने में बहुत मेहनत होगी, और हो सकता है कि इस दौरान घर वाले फिर शादी ही कर दें, दोबारा गेम में भेजे ही ना। और ये एक फैक्ट है, सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बाकी जगह का भी ये फैक्ट है कि अगर आप गेम में नहीं जा पा रहे हैं या कुछ और है तो थोड़े दिन घर वाले सपोर्ट करेंगे, कितने दिन कर पाएंगे, देखो घर वाले भी है ना, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको बॉयज हैं तो उनको बोलेंगे भाई कोई काम धंधा देख लो, है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, और फीमेल है तो उनको भी ऐसे ही बोला जाएगा कि या तो आप सेटल हो जाओ, शादी कर लो, ये गेम होता रहेगा, अगर अगले करा लेंगे तो ठीक है, नहीं करा लेंगे तो भाई अपने एफर्ट पे देखो, मतलब उनको लगता है कि एक स्टेबिलिटी आ जाए कि अगर इंजरी हो गई तो कितने दिन तक घर वाले भी वेट करेंगे। तो इसी में ही यही एक पॉइंट होता है जहाँ घर वालों का और प्लेयर्स का मोरल डाउन हो जाता है, वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं और टिमटिमाने लगते हैं, लेकिन फिर से याद रखना स्टार बनना ही है, सितारा बन के चमकना है। तो ये सुन के फिर एकदम से माइंड ऐसा हो गया, तो मैंने कहा देख भाई ईमानदारी से बता रही हूँ, आज मैंने सच में ही बड़ा एक्सीडेंट देखा है अभी थोड़ा देर पहले, और मेरा मेंटली अभी मतलब इतना वो नहीं हूँ कि मैं पूरा असेसमेंट कर पाऊँ, क्योंकि एक प्लेयर को अगर आप अलाइनमेंट सेट करते हो, एक बार उसको छेड़ते हो तो आपको उसका प्रॉपर मतलब टिप टू टॉक करना ही पड़ेगा, अगर आप एक फाइबर भी कुछ गड़बड़ बच जाता है, मसल फाइबर या कुछ भी, तो फिर वो उतने रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो मैंने कहा फिर देखते हैं, और बाई चांस उस दिन मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, और मम्मी होती हैं तो मैं उनको सेकंड टू गॉड मानती हूँ, तो मम्मी होती हैं तो उस दिन तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक अंदर से एक पावर आती है कि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हैं। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा बेटा देख, उस प्लेयर को बोला थोड़ी देर वेट कर, फिर मैंने क्या किया, एक अच्छी सी चाय बनाई और एक अच्छी सी चाय पी, और पीते पीते भगवान को याद किया कि मैं मतलब एज ए फ्रेंड मानती हूँ परमात्मा को, तो मैंने कहा मैं शिव परमात्मा को मानती हूँ जो कि ऑब्वियसली सुप्रीम सोल है, तो मैंने कहा शिव बाबा मदद करना, मैंने कहा इस प्लेयर का मतलब नहीं छूटना चाहिए, ना दिल टूटना चाहिए ना ही गेम छूटना चाहिए, कि इतनी मेहनत करते हैं। तो फिर मैंने चाय पी के फिर से असेसमेंट करना शुरू कर दिया, और उस प्लेयर को बोला देख बेटा मेहनत मैं करूँगी लेकिन तुझे भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है, जो होमवर्क दूंगी वो अच्छे से तू करके आइयो, ठीक है। और वो काफ़ी दूर से भी आई थी, तो मैंने कहा वो तुझे करना है, और पक्का अगर तू फिर से गेम में अगर पूरा जी जान लगा दे कि तुझे गेम में जाना ही है, तुझे बेड रेस्ट ऐसे कुछ नहीं करना, तब तो मैं तेरे ऊपर पूरा मेहनत कर दूंगी आज। तो कहती नहीं मैम प्रॉमिस है, मैं पक्का ना बस लगा लो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दूंगी और मुझे गेम में जाना ही है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो फुल लिगामेंट टीयर वाली लड़की, और मतलब उस दिन इतनी उसके फेस पे जो स्माइल आई ना ट्रीटमेंट के बाद, मतलब उससे दिल को सुकून मिल गया, जो मेंटली आप यूँ लगा लो कि हाँ जो भी डिस्टर्बेंस थी वो सारी मतलब स्ट्रेस बस्टर हो गई, मतलब एकदम से जो दुआएं मिलती है ना सामने वाले को हील करके, जो मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स करते होंगे वो समझ सकते होंगे, वो अंदर से आपको बिल्कुल पूरा स्ट्रांग बना देती, इतनी अच्छी लाइट फील देती है। तो आज ये छोटा सा जो वीडियो क्लिप सभी दिखा रहे हैं ये उसी प्लेयर का है, और वो खुशखबरी की बात है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्लेयर रिपेयर किया था हमने अगस्त में, अगस्त के बाद फिर एक बार 2-3 दिन के बाद उनका मैसेज आया, तो मैंने उनको बस मैसेज में ही बता दिया था कि आपको इसके बाद फर्दर स्टेप ये करना है, क्योंकि बहुत दूर से थी और देखो किराया भी बहुत लग जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्लेयर्स सभी इतने रिच होते हैं कि हाँ आप मतलब इतने पैसे होते हैं कि आप चक्कर लगाते रहे, ऐसा नहीं है। फिर उसको मैंने मैसेज किया कि बेटा आपको ऐसे ऐसे करना है, और उसका मैसेज आया कि मैम बहुत मतलब अच्छी रिकवरी है। फिर उस एक दिन के मैसेज के बाद जो मैंने बताया वो उसने किया, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दूंगी मैसेज के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर में मेरा बर्थडे था,
तो नवंबर में उस प्लेयर का मेरे को मैसेज आया बर्थडे का, और मुझे फर्स्ट ट्राई किया, अरे अपनी रिकवरी तो बताओ कि तुम कैसे होगी, गेम खेल रहे हो या नहीं। तो मैंने मैसेज किया हाउ आर यू, तो उसका मतलब रिप्लाई आया मैम 100% रिजल्ट है। तो आप सोचो इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है कि आप मतलब जिस प्लेयर के लिए आपने उम्मीद लगाई है, दुआएं दिल से दी हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और पूरा अपना एफर्ट डाला है, और आपके बर्थडे पे उसका मतलब रिप्लाई आता है कि वो 100% मतलब रिजल्ट है और वो ठीक है। तो इसके बाद उसके बाद हमारी चैट हुई कब, जनवरी में, जब हमने जस्ट व्लॉग बनाने शुरू किए थे। तो उस प्लेयर का जनवरी में मैसेज आया कि मैम थैंक यू, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी जो भी उन्होंने लिखा था अपने सिंपल से प्यारे से लैंग्वेज में, कि थैंक यू आपकी वजह से मैं ठीक हो गई, और अब मेरा नेशनल कैंप गेम है, और मतलब वो नेशनल्स खेलने के लिए आ रही थी, तो उसका मतलब फाइनल मैच था उस दिन शायद। तो मतलब ये सुन के ना आप मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब दिल से खुशी मिलती है, जैसे किसी को वीडियो गेम जीत के मिलती है, किसी को अपना अपना। तो यही एक पैशन होता है कि जब आप सामने कुछ करना चाहें जी जान से, और वो हो जाता है, क्योंकि पूरी कायनात तो उसमें मदद करती है, परमात्मा भी मदद करता है, और ऑब्वियसली आपके और प्लेयर्स के एफर्ट तो होते ही हैं, प्लेयर्स नहीं चाहे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग है उसके भी हो सकते हैं। तो आइए वीडियो क्लिप्स देखते हैं, ये वाली छोटी सी है बट बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, और ये आप सबके लिए एक मैसेज है कि कोई भी इंजरी हो हर प्लेयर बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मैं प्लेयर्स को भी बोलती हूँ, बट वो इंजरीज की वजह से पीछे रह जाते हैं, इतने ओलंपिक मेडल्स नहीं ला पाते। और जैसे ये प्लेयर ने फिर से फाइट बैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं, और फिर आप सबको भी ओलंपिक मेडल्स लाने हैं, किसी को भी गेम नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, और ये ध्यान से ये क्लिप देखना, और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू। चलो अब बैठ के दिखाओ कैसे बैठा जा रहा है, इतना बैठ के कहाँ पेन आ रहा है, ये वाले खड़े हो ना, इधर आओ, ठीक है बैठ के दिखाओ, वेरी गुड, उठ जाओ, कहाँ दर्द बच गया, हाथ लगाओ, हल्का सा यहाँ यहाँ बच गया, बाकी सब ठीक। हाँ जी मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, पहले से। और जो ऑपरेशन लग रहा था अब लग रहा है नहीं कराना पड़ेगा, है ना? जी मैम।